अब जो है कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं, शरीयत ने किसको इजाज़त दी है कि जो है रोज़ा छोड़ सकते हैं, वो कौन लोग हैं? तो देखिए, एक तो जो नाबालिग बच्चा जो छोटा है तो उस पर रोज़ा नहीं है, जो बच्चे उन पर रोज़ा नहीं, क्योंकि बच्चे पर रोज़ा कब फ़र्ज होता है? जब उसकी उम्र, वही जो है उलमा कहते हैं कि जो हदीस है नमाज के ताल्लुक से कि 7 साल की उम्र हो जाए तो इनको आप नमाज के लिए ले जाओ, और 10 साल की उम्र में नहीं जाए तो इनको फिर तुम मारो, ज़र पर भी लगाओ। तो वही जो इसके ताल्लुक से भी उलमा कहते हैं कि रोज़े के लिए भी यही है। तो उसको, तो हम उसको क्या करें बच्चे को, कि छोटे से ही, जब बच्चा छोटा हो तभी से उसको रोज़ा रखाएँ, एक पहले साल 1-2 रोज़े रखाएँ, दूसरे साल में उसके फिर 7-8 रोज़े रखाएँ, तीसरे साल में फिर जो है उसके 8-10 करें, फिर जब बाली हो जाए ताकि वो पूरे रख सके। अब ऐसा नहीं कि आदमी वो अब 11 साल का हो गया और उससे बोले तेरा फ़र्ज़ हो गया पूरे 30 रख, अब उसको अपने प्रैक्टिस ही नहीं करवाई तो नहीं रख पाएगा। तो पहले से जो हज़रत उम्र के ताल्लुक से आता है कि वो अपने बच्चों को जो 5-5, 6-6 साल के होते थे उनको वो रोज़ा रखाया करते थे। दूसरे साहबा कहते हैं क्या तुम बच्चों पर जुल्म करते हो, इतने बच्चे को रोज़ा रखाते हो? बोले नहीं नहीं, हम जो है इनको तरगीब दिलानी है ताकि जो है थोड़े थोड़े रखेंगे तो बाद में जाकर पूरे मुकम्मल करेंगे। वो कई जो है साहबा के ताल्लुक से आता है, एक रिवायत मिलती है कि उसमें जो है बच्चों को रोज़ा रखाते थे तो वो कहते थे कि हम बच्चों को रोज़ा रखाते थे, साहबी फरमाते हैं बच्चों को रोज़ा रखाते थे तो बच्चे क्या होते थे कि भूख की वजह से, प्यास की वजह से रोते थे, तो हम क्या करते थे कि रूई के खिलौने बनाते थे, रूई के खिलौने बनाकर हम रखते थे मुख्तलिफ। तो जैसे दोपहर हो गई, बच्चा रो रहा, भूख लगी, प्यास लगी, तो उसके खिलौना देते जाओ खेलो, इससे वो 1-2 घंटे खेल कर आ जाता, फिर आकर रोता, फिर दूसरा खिलौना देते जाओ खेलो। तो ऐसे करके वो बिल्कुल उसको करीब ले आते थे। तो ये सुन्नत भी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई सामान ले आए बच्चों, आप रखाना छोटे बच्चे को रोज़ा, तो देखो आपको ये मिलेगा, हमें खिलौना देंगे, अब फिर तुम ये करेंगे, इफ्तार में देखो तुमको जो भी उसको पसंद है चॉकलेट मिलेगा, आपको ये चीज़ देंगे, आइसक्रीम देंगे, तो इस तरह से उसको जो है शौक दिलाकर रोज़ा रखा जा सकता है।